हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू माय चैनल। तो एक बिल्कुल नया फ्रेश वीडियो लेके आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं। आज के अपने इस वीडियो में मैं दो अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करूंगा। तो एक एस्पेक्ट होगा, मैं आपको एक हारमोनिका के रिगार्डिंग एक टिप दूंगा, और दूसरा जो एस्पेक्ट होगा वो होगा, ये मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा हारमोनिका है जिसको हम पक बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी टिप की बात कर लें, तो जैसा कि सर्दियों का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है और आप में से बहुत सारे लोग जो वॉल्व वाला हारमोनिका बजाते हैं, तो ऑलरेडी मुझे फोन्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं और उनको वो वॉल्व वाली प्रॉब्लम जो है वो नेचुरली आना शुरू हो चुकी है। तो अभी क्या है कि जनरली हम जैसे कह देते हैं कि आप इसके लिए एक हीटिंग पैड रख लो, बट आप देखिए कि जब आप कहीं पे परफॉर्म करने जाएंगे तो वहां पे ये कई बार फिजिबल नहीं होगा कि आप हीटिंग पैड उठा के वहां लेके जाएं, और अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे वो अरेंजमेंट ना हो, सप्लाई पावर की ना हो, क्योंकि वो हीटिंग पैड की जो केबल होती है वो छोटी सी होती है। सो समटाइम्स इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल टू कैरी द हीटिंग पैड एवरीवेयर। तो फिर उस केस में हम क्या करें? उस केस के लिए मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात बताऊंगा। तो अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो काफी हद तक आपकी जो वॉल्व स्टिकिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वॉल्व स्टिकिंग जो है वो आप सभी को पता ही है, उसका रीजन क्या है? कंडेंसेशन होती है रीड्स के ऊपर, और क्योंकि उसका टेम्परेचर अगर कम हो जाए, मॉइस्चर वहां पे कंडेंस हो जाएगा या हमारा सलाइवा कंडेंस हो जाएगा, उस वजह से जो वॉल्व है वो रीड के साथ चिपक जाएगा और उसको खुलने के लिए आपको कई बार बहुत हार्ड ब्लो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि जो आपके रीड्स हैं, अगर किसी तरह से हम उनका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा प्लेएबल कंडीशन पे ले आए तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, जो हमारी बॉडी हीट है, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अप्लाई टू योर हारमोनिका। तो आपका जो भी हारमोनिका है उसको आप कोशिश करें कि जो ये वाली पॉकेट होती है अंदर वाली हमारी, वहां पे आप उसको रखें। सो इट विल बी इन कॉन्टेक्ट विद योर बॉडी। तो जितनी देर वो कॉन्टेक्ट में रहेगी तो उतना ही वो प्लेएबल कंडीशन में आ जाएगी। तो ये एक चीज का ध्यान रखें कि आप जब भी कहीं प्ले करने जा रहे हैं तो हारमोनिका को काफी देर तक अगर आपने जैकेट पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है, तो अंदर वाली पॉकेट में उसको आप रख दीजिए। तो चांसेस हैं कि आपका हारमोनिका बिल्कुल ठीक बजेगा, जैसे ही आप उसको निकाल के बजाना शुरू करेंगे वो एकदम से ठीक बजेगा। दूसरी चीज, जब आपकी परफॉर्मेंस को आप जब परफॉर्म करने गए हैं, आपकी परफॉर्मेंस को लेट अस से आपको पता है कि 10-15 मिनट रह गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हारमोनिका को उठा के आप चेयर पे बैठे हैं तो उसको सिंपली कुछ नहीं करना, आपने ऐसे अपने हाथ में पकड़ के हारमोनिका को अपने थाइज के अगेंस्ट उसको बिल्कुल धीरे धीरे रब करते रहे। मुझे लगता है कि ये कैमरा में आ नहीं रहा होगा ये चीज, तो सिंपली आप देख सकते हैं हारमोनिका को पकड़ के आप उसको थाइज के अगेंस्ट रब करते रहे। 3-4 मिनट एक साइड को रब किया, फिर 3-4 मिनट दूसरी साइड को रब किया, तो ऐसे आप 10-15 मिनट करते रहें, आपका हारमोनिका बिल्कुल प्लेएबल कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये सारा मेटेलिक चीज है, तो कवर प्लेट्स जो हैं वो मेटल की हैं, उसके अंदर जो रीड प्लेट्स हैं, रीड्स हैं वो मेटल के हैं, तो इनका जो हीट ट्रांसफर होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो अगर आप उसको ऐसे रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल हीट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्निकल थोड़ी सी बात करूंगा, तो वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी रीड्स को, तो रीड्स का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 10-15 मिनट आप करिए इसको, एंड देन यू सी द मैजिक। तो ये चीज बिल्कुल डेफिनेटली काम करेगी, इट विल डेफिनेटली वर्क। तो आप इसको अप्लाई करके देखिए। तो ये तो एक छोटी सी टिप थी। उसके बाद ये मैं बात कर रहा था एक बहुत ही सुंदर सा हारमोनिका, मेरे पास बहुत पुराना हारमोनिका है, इसको हम पक बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से अगर हम वो 4 होल्स वाला कीचेन हारमोनिका छोड़ दें तो ये
दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लेएबल हारमोनिका। तो 10 होल डायटोनिक हारमोनिका है, रजिस्टर्ड ट्यून्ड है, तो पॉकेट में डाल के कहीं भी कैजुअली प्ले करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अदरवाइज अगर प्ले नहीं भी करते तो मेरे ख्याल से अपनी कलेक्शन में रखने के लिए बहुत, आप इसका डिजाइन देखिए पहले, बहुत ही सुंदर सा इसका डिजाइन है, देखने में बहुत अच्छी है, तो आप अपनी कलेक्शन के लिए भी रख सकते हैं। बाकी इसमें सॉन्ग्स भी बहुत प्यारी आवाज है इसकी, सॉन्ग्स भी बजते हैं, मैंने आपको बजा के भी दिखाया था, बहुत इसकी टोन ठीक है, रिच है। तो ये देखिए, ये बहुत छोटा हारमोनिका है और इसके रीड्स की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, और इसमें एक चीज बहुत कमाल की है, इसकी कवर प्लेट को आप ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड करके खोल सकते हैं, और ये देखिए जो रीड्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे, दोनों तरफ के रीड्स जो हैं वो आपको बहुत इजीली विजिबल हो जाएंगे। इसको आप कवर प्लेट को सिंपली स्लाइड कर दीजिए एंड देन यू कैन सी थ्रू इट, इसके अंदर क्या है वो चीज भी आप बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक 10 होल हारमोनिका है, डायटोनिक है, रजिस्टर्ड ट्यून है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई बहुत हाई एंड हारमोनिका है। मेरे पास जो ये है ये लगभग 9 या 10 साल पुराना होगा, ये 2011 में मैंने खरीदा था, उस समय मैंने ये खरीदा था शायद 200 या 250 रुपए का, अभी इसकी कॉस्ट होगी 600-700 रुपया, आई डोंट नो, यू कैन चेक इट आउट। तो बट ये मैंने एक दो बार इसको प्ले भी किया है स्टेज के ऊपर, तो जो डायटोनिक वाले सॉन्ग्स हैं वो इसके ऊपर बज जाते हैं, बट अदरवाइज ये प्रोफेशनली परफॉर्म करने की बजाय मैं प्रेफर करता हूं कि कहीं जब हम घूमने फिरने गए तो ये साथ में ले जाते हैं, तो वहां पे आप कहीं बैठ के ये हाथ में पकड़ के बजा रहे हैं तो वो लोग देखेंगे कि भैया ये बज क्या रहा है, इतना छोटा सा हारमोनिका है, ये नजर ही नहीं आएगा। तो अच्छी चीज है, शौक की बात है। तो ऐसे ही मेरा मन किया कि कलेक्शन तो मैंने आपको पूरी दिखाई थी अपनी, तो कभी पक्की बात मैंने होते देखी नहीं, जनरली वीडियोस मैंने काफी देखे, ट्राई किया, बट पक के ऊपर कोई इतने ज्यादा वीडियोस नहीं है, हालांकि इसमें कुछ रिव्यू करने वाला भी इतना है नहीं, क्योंकि मतलब कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है ये चीज, और इसके अंदर कोई रिव्यू वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली मैंने नहीं देखा किसी को प्ले करते हुए, शौकिया बहुत सारे लोग इसको प्ले करते होंगे, तो यही एक रीजन था मैंने सोचा कि आपके साथ मैं थोड़ा सा ये पक के बारे में कुछ एक बातें जो है वो शेयर करूं। और अच्छी चीज मुझे ये लगी कि सबसे पहले एक तो मेरे पास टावर हारमोनिका का था, टावर का हारमोनिका था, अदरवाइज ये दूसरा हारमोनिका है, मैं इससे पहले एक पक खराब कर चुका हूं, इसको इसकी सेंसिटिविटी बहुत होती है, आराम से आपने बजाना है, अगर इसको आप हार्डली ब्लो करेंगे तो रीड्स खराब होने का, डीट्यून होने का चांस है, तो वो मैंने खराब कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर R&D किया, इसके कवर प्लेट्स निकाल के जो स्ट्रक्चर है वो देखने की कोशिश की कि रीड्स कैसे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ पक के साथ, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि हारमोनिका है जो मेरा पहला वो है गाइड, जिसने मुझे बताया कि इसके अंदर क्या होता है, हालांकि जो टेक्निकल चीज़ें अंदर वाली हैं वो मैंने बहुत सारे लोगों से सीखी हैं, राजीव रंजन जी ने मुझे बिल्कुल हारमोनिका के अंदर घुसना सिखाया कि इसके अंदर क्या होता है, टेक्निकली क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, किस चीज का क्या फंक्शन है, किस चीज को अगर हम चेंज करके दूसरी चीज लगा देंगे तो क्या होगा, तो वो एक अलग चीज है, वो उन्होंने मुझे सिखाया। बट जो मैंने खुद से सबसे पहली बार जो हारमोनिका देखा था वो एक टॉवर था या फिर ये पक था। तो जनरल सी बातें की मैंने, कोई ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें नहीं है, बस ऐसे ही मेरा मन किया आप सभी के रूबरू होने का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, जो टिप है वो आप जरूर इस्तेमाल करेंगे और उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। डियर फ्रेंड्स, जल्दी ही अपने अगले वीडियो के साथ आप सभी को मिलूंगा मैं, तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर नाउ।